फसले मोहब्बत की उगाओ दूर तक ऐ दोस्तों, मोहब्बत जिस जगह होती नहीं लानत बरसती है। ये काम किसने करना है? क्या हम लोग, आप लोग खासतौर पर जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले हैं, क्या आप ये काम बखूबी कर रहे हैं? क्या आप उनकी टीचिंग्स को ईमानदारी से समाज तक पहुंचा रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें हम कसूरवार हैं। और बतौर खास एक ऐसे वक्त में जब आप मोहब्बत की, सारा कुर्बानी की और हमदर्दी की बातें जो सारी उनकी टीचिंग से भरी पड़ी है, और एक ऐसे वक्त में जब भारत का समाज एक तरह से टूट फूट का शिकार हो रहा है, जब नफरत और इंतकाम गिरी अपने अरूज पर है, जब समाज को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, जब मजहब एक दूसरे मजहब को जलील करने के लिए यहाँ तक के फिल्में तक लड़ाई जा रही है, यहाँ तक के वो लिटरेचर तैयार किया जा रहा है, मुझे लगता है इन टीचिंग्स को आम करने की जरूरत है। और खास तौर पर रैशनैलिटी जो है वो वक्त की जरूरत है, और आप लोगों को, हम सब को मिलकर आगे आना चाहिए। मैं चंद बरस पहले यहाँ पे काशीराम जी की बरसी के ऊपर यहाँ पे आया था, एक प्रोग्राम था, उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल मलिक से कई बार फोन पर बात हुई। तो हमारी ये कोशिश रहती है खासतौर पर बहुजन समाज को एक दूसरे के करीब लाया जाए, और हमारे जो मुश्तरका दुख दर्द है उनका इजाला तभी हो सकता है जब हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हमारे बीच वो खलीजें मौजूद हैं, आज भी हमारे बीच पता नहीं क्यों वो दूरियां कम नहीं की जा रही हैं, और इसके लिए दोनों समाज जिम्मेदार हैं। हमारे बीच डॉक्टर जोगिंदर राय साहब जो डोडा से, उन्होंने मुझे आज बतौर खास, अगरचे मुझे यहाँ से इन्विटेशन तो व्हाट्सएप कहीं से आया था, लेकिन उन्होंने अपने साथ लाया, वो हमारे समाज में आते हैं, हमारे छोटे मोटे प्रोग्रामों में पहुंचते हैं। तो जरूरत है कि हम इन चीजों को मिलकर बनाएं, जरूरत है आज पूरे समाज को, पूरी इंसानियत को अगर कोई निजात मिल सकती है तो वो महात्मा गौतम बुद्ध के इन्हीं सुनहरी उसूलों से मिल सकती है। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आज भी अगर जमाने में किसी चीज की जरूरत है तो वो मोहब्बत की जरूरत है। सुबह से लोग कह रहे थे कि मोहब्बत को आप, नफरत को आप नफरत से मिटा नहीं सकते, उसके लिए मोहब्बत करनी होगी, उसके लिए हमें इंसानियत का दर्द सबक देना होगा।